अच्छा, टाइप हमारे कितने टाइप हो गए? तीन टाइप हो गए थे शायद। टाइप फोर में अगर आपको क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स एनकाउंटर हो, और साथ ही साथ साइन एक्स कॉस एक्स या तो साइन टू एक्स एनकाउंटर हो क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे? लेट टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स को टी ले लोगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस टू ए बी में टू साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाता है साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन और अपॉन टू, तो प्लस माइनस जो भी है भेज देना है। देखो यहाँ इसके ट्रेसेस यहाँ पर थे, हमने इसे इंटीग्रेशन में यूज़ किया था, ये बात को याद है? जैसे कि क्वेश्चन अगर लेते हैं हम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टू रूट टू साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको दिमाग चल रहा है, जैसे शिफा आप जिसका भी दिमाग चल रहा है, सोफिया आप ये ट्राई करो। आके पर ट्राई करो, हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेना है और स्क्वायरिंग बोथ सेट करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें साथ में एनकाउंटर हो गई ना, ये और ये, तो हम दिमाग चलाएंगे कि शायद इससे हो जाए, शायद वो जनरली इससे हो जाएगा। तुम्हारा सोल्यूशन रहेगा लेट टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ये वन को उधर भेज दिए, टी स्क्वायर माइनस वन, और ये बाजू वाला टू जो था उसे नीचे भेज दो, टी स्क्वायर माइनस वन बाय टू। हमने इसे टी लिया है तो हमें साइन एक्स कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ टी मिल गया। तो क्वेश्चन हमारा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टू रूट साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी जगह हमने टी लिया था माइनस टू रूट टू, और साइन एक्स की जगह हम साइन एक्स कॉस एक्स की जगह लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस वन बाई टू, तो ये टू टू कैंसिल हो गया। प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, रूट टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। बच्चों ऊपर का लिखना हो गया, यस तो अभी रूट टू इंटू रूट टू टू होता है, रूट टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से रूट टू टी कॉमन निकलेगा तो यहाँ टी बच जाएगा, और इस टू में दो रूट टू थे, ये जो टू था रूट टू स्क्वायर था उसमें से एक रूट टू निकल गया, तो रूट टू बच जाएगा और टी भी बाहर निकला है। वैसे ही इधर से वन कॉमन निकाल लो, टी माइनस रूट टू, तो यहाँ से टी माइनस रूट टू कॉमन निकला, रूट टू टी प्लस वन, तो हमें टी की वैल्यू मिल गई टी इक्वल टू रूट टू और टी इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू। अब टी हमने लिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट टू,
यहाँ भी। अब बच्चों ये आगे टाइप टू में चले गया है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, हमें पता, आपको पता है इसको रूट टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, रूट टू से डिवाइड किए साइन एक्स प्लस पाई फोर बन जाएगा, मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में चले गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट टू हो गया, इसे हम कॉस ले देंगे तो ये साइन बन जाता है। तो ये बच्चों आगे आप लोग कर सकते हो, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू वन, तो साइन थीटा वन कब होता है, जब पाई बाय फोर प्लस एक्स, साइन थीटा वन होता है जब फोर एन प्लस वन पाई बाय टू हो जाए, तो आगे इसको इधर भेज दो। सिमिलरली यहाँ भी वैसे वैसे ही सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है बच्चों, रूट टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करके एवरीथिंग सेम। तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा और साइन माइनस पाई बाई सिक्स। देखो यार टू एक्स है, कुछ हिंट मिल रही है, टू एक्स है तो एंगल डबल करना है। एंगल डबल करने के दो तरीके, गोल्डन फार्मूला उल्टा यूज़ करना पड़ेगा, मतलब यह साइन स्क्वायर एक्स का पावर फाइव लिख दो, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का पावर फाइव लिख देंगे, और हमें पता है वो दोनों भी कॉस टू एक्स में ही ब्रेक होते हैं, मतलब गोल्डन फार्मूले में दोनों में कॉस टू एक्स आएगा, यहाँ पर भी वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, और यहाँ पर भी वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू पावर फाइव कॉस टू पावर फोर टू एक्स। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम लोग टी इक्वल टू कॉस टू एक्स लिख देते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें, तो ये हो जाएगा वन माइनस टी होल रेस्ट पावर फाइव अपॉन टू रेस्ट पावर फाइव विच इज 32, वन प्लस टी होल रेस्ट पावर फाइव अपॉन टू रेस्ट पावर फाइव, और ये टू रेस्ट 29 अपॉन 16 टी रेस्ट पावर फोर। बच्चों ये सब फेमस पैटर्न है। अब देखो वन माइनस टी रेस्ट पावर फाइव, वन प्लस टी रेस्ट पावर फाइव, ये सामने 32 चले गया और यह 16 है और यह 29 है टी रेस्ट पावर फोर। अब ये जब ओपन होगा यहाँ टी फर्स्ट, अभी लिखना है पूरा ठीक है लिख देते, पहले आएगा 5c0 टी रेस्ट पावर ज़ीरो, फिर माइनस 5c1 टी रेस्ट पावर वन, ये बाइनोमियल थ्योरम से ओपन किए, और आगे वाला क्या होगा 5c0 सेम रहेगा टी रेस्ट पावर ज़ीरो, लेकिन सब में इधर प्लस है तो सब में प्लस आएगा, और माइनस अगर होता है तो अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस चलता है, यहाँ सब में प्लस आएगा। तो बस इतना देख लो आप कि कैंसिल कौन हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है और जो ये बच जाएंगे ये ट्वाइस हो जाएंगे, तो इधर क्या होगा ट्वाइस 5c0 टी रेस्ट टू पावर ज़ीरो प्लस 5c1 कैंसिल हो गया, 5c2 टी रेस्ट टू पावर टू, 5c4 टी रेस्ट टू पावर फोर, और 5c5 कैंसिल हो चुका है, 5c5 से 5c6 आगे बढ़ेगा भी नहीं, तो इतना बचा है, और यहाँ पर 2 × 29 टी रेस्ट टू पावर फोर, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5c0 वन होता है टी रेस्ट पावर ज़ीरो वन होता है, 5c2 5 × 4/2 होता है,
और ये टी स्क्वायर हो गया, 5c4 5c1 ही होता है, ये मिला हमें। तो हम उधर भेज देंगे तो 24 हो जाएंगे, 29 माइनस ये तो चले गया, 29 माइनस 5 ये हो गया माइनस 5t 5, नहीं 10 हो गया, 10t स्क्वायर माइनस 1 ये पीछा मिला हमें। बच्चों ये थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है इसमें, हो सकता है आप लोग को ज़्यादा लोग को समझे ना। तो हम इसे स्प्लिट करेंगे तो 24t^4 माइनस 6t^2 माइनस 4t^2 माइनस 1, फिर यहाँ से हमने 6t^2 कॉमन निकाल लिया तो 4t^2 माइनस 1 माइनस 1 4t^2, अच्छा कुछ गड़बड़ इधर, माइनस माइनस स्प्लिटिंग गलत किया राइट, 6 4 सा निकलना पड़ेगा, 12 2 सा राइट हो जाएगा। ट्वेंटी फोर ही बनाना है तो 24t^4 माइनस 12t^2 प्लस 2t^2 माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 12t^2 कॉमन निकाला, 2t^2 माइनस 1 और यहाँ से 1 कॉमन निकाला, 2t^2 माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ हो गया 2t^2 माइनस 1 इंटू 12t^2 प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों ऊपर का हो गया तो बताना, समझ पा रहे हो सोविया, और कौन कौन समझ पा रहा है, ये सुयान हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर, यस सर। थोड़ा बेसिक अगर बायनोमियल थ्योरम में तो ये समझ जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर वो मुश्किल है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मिला टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और यहाँ से हमें मिला टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/12 विच इज़ नॉट पॉसिबल, कोई भी स्क्वायर की चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ हमें टी क्या था हमारा, ये कॉस 2x था, तो हम इधर लिख देंगे कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1/2 मिला। अब ज़बरदस्ती स्क्वायरिंग स्क्वायर का टर्म लाते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा यूज़ करने के लिए, कॉस स्क्वायर π/4। अब बच्चों ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2x थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8, ये आंसर है इसका। बच्चों इसमें देखो पहले आप लोग एक दिमाग चलता है कि टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दे, टेन थ्री थीटा का वो लेंथी हो जाएगा थोड़ा, तो आप क्या करो इसको लिखो टेन थीटा, टेन टू थीटा इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ क्या लिखो थीटा प्लस टू थीटा, परफेक्ट थीटा प्लस टू थीटा, गुड। अब इसके बाद टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी इक्वल्स टू जीरो। अब आप देख सकते हो ये दोनों टर्म ये कॉमन निकल जाएगा राइट, तो टेन ए टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू थीटा कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से कॉमन निकला तो कुछ नहीं तो वन तो रहता ही है, वन प्लस वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वन माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा
इक्वल्स टू जीरो, तो ये जीरो में गया। अब इन्हें सॉल्व करने के भी दो तरीके, एक तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, टेन टू थीटा इक्वल टू डायरेक्ट इधर माइनस टेन थीटा लिख दो, और एक तरीका है कि टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो टू टेन थीटा, या दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूला मत लगाओ, माइनस को अंदर भेज दो, तो टेन टू थीटा इक्वल टेन माइनस थीटा, तो टू थीटा ये थीटा बन गया, ये अल्फ़ा बन गया, तो टेन थीटा इक्वल टेन अल्फ़ा होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, तो डायरेक्ट आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा थ्री थीटा इक्वल टू एन पाई। सर टेन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करने से अलग आंसर आता। सेम ही आएगा, देखते आप पहले क्या करेंगे, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ माइनस टेन थीटा है तो टेन थीटा टेन थीटा कैंसिल है, तो एक आप इधर लिख दोगे टेन थीटा इक्वल टू एन ज़ीरो, तो आपको एक ये मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एन पाई, पहला ये मिल जाएगा। दूसरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे तो टू इक्वल टू माइनस वन माइनस प्लस, माइनस है ना इधर, ये इससे मल्टीप्लाई प्लस करा देगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, हाँ थ्री मिला। तो आप इसे ज़बरदस्ती सामने क्या करोगे, रूट थ्री का स्क्वायर लिख दोगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन पाई बाय थ्री का स्क्वायर, तो आपको यहाँ से मिलेगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री। आंसर तो अलग मिल रहा, राइट, थीटा इक्वल टू एन पाई और एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री। एक्चुअल में अगर हम शायद इसका इसका और इसका यूनियन लेंगे तो यही बन जा रहा होगा, ये जो मिला ना हमें यूनियन का मतलब। तो अगर आप n की अलग अलग वैल्यू पुट करो इधर, तो एक मिलेगा प्लस माइनस पाई बाय थ्री, n को ज़ीरो लिया तो वन पुट कर दो इधर, तो पाई प्लस पाई बाय थ्री होगा फोर पाई बाय थ्री, पाई माइनस पाई बाय थ्री होगा टू पाई बाय थ्री। तो देखो इसके अंदर वो सब आ रहे हैं, देखो n को 2 ले लो 2 पाई बाय 3 मिल गया, n को 4 ले लो 4 पाई बाय 3 मिल गया, ये सब इसमें आ रहे हैं। और अगर इसकी बात करूँ मैं थीटा इक्वल टू n पाई, इसमें आप n को 0 ले लो फिर n को 1 ले लो, देखो ये सब भी इसमें आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं इसमें, n को अगर आप 0 ले लो 0 मिलेगा, n को 1 ले लो पाई बाय 3 इसका मिल गया, n को माइनस 1 ले लो माइनस पाई बाय 3 उसका मिल गया, n को 2 ले लो 2 पाई बाय 3 मिल गया, 3 ले लो 3 पाई बाय 3 मिल गया विच इज़ पाई, तो ये वाले टर्म्स भी मिल जा रहे हैं। मतलब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 ये एलिमेंट्स यूनियन n पाई, इनका यूनियन लेते ना तो ये दोनों का यूनियन ये है, ये मतलब हो रहा है इसका। तो इसमें इतना ही आंसर ऑप्शन हो सकता है, इतना ही हो, आपको ये मिलने के बाद आपको दिमाग लगा के वहाँ पहुँचना पड़े, समझ रहे हो आप बच्चों? यस सर, यस सर। विषय कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो होगा आप लोग भी कर सकते हो, टेन टू थीटा सामने भेज दे इसको, माइनस प्लस वन प्लस वन टू माइनस टू हो गया, तो ठीक है इसमें हम क्या करते, टेन थी टू थीटा का फॉर्मूला लगा देते, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा सामने टू, तो बच्चे से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हो जा रहा है सॉल्व, आसानी से हो जा रहा है। की वैल्यू पता नहीं, जबरदस्ती स्क्वायर लाओ, फिर
फिर लिखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जबरदस्ती वाला टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू लिखो, तो अभी ये ऐसे आंसर आएगा इसका, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस, ये पूरा के पूरा अल्फा बन जाता है यार। मैं लिख देता हूँ टू थीटा का फॉर्मूला लगाने के पहले ना, इसमें थोड़ा एक पैटर्न है उसकी मदद ले लेंगे ना, बहुत इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ से रूट थ्री कॉमन निकाल लेंगे, फिर ये हो जाएगा टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन टू थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री। बच्चों ये देखो सिंपल हो गया, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला वैसे थ्री थीटा डायरेक्ट लिख दे रहा था, ठीक है, टू थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री। तो यहाँ हो गया टेन थ्री थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री को लिख देंगे टेन पाई बाय थ्री, तो ये अल्फा थीटा वाली बात होगी, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। थ्री से डिवाइड कर देंगे तो एन पाई बाय थ्री प्लस अल्फा बाय नाइन आंसर। वही एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये सब आता है क्या? अरे हाँ नहीं तो बोलो, नहीं आता तो नहीं बोल दो। नहीं आता मतलब ये ऐसा बेबी कब नो सर फर्स्ट लेक्चर में आप पढ़ाए थे सर। अच्छा हाँ अच्छा, जिस नहीं थे वो लोग को नहीं आता, ठीक है ठीक है, एक बार उसको पढ़ा दूंगा या तो वो वीडियो देख, वीडियो है क्या पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन बेस्ड ऑन लास्ट टॉपिक की रेंज और एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और आजकल बहुत जेई में आ रहा है, पहले से ही आता है। इसमें आपको सबके ना रेंज पता होना चाहिए, तो अभी यार थोड़ा मेरे को बताओ यार, साइनस का रेंज सबको याद है ना, माइनस वन टू वन रेंजेस सबको याद है, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। यस सर, सेकंड स्क्वायर का, सेकंड स्क्वायर का क्या बताओ, सेकंड स्क्वायर का बोलो बोलो। अरे भूल जाते तुम लोग, चलो फटाफट लिखो इसको, ये यूज करना है तो लिखना तो पड़ेगा। जीरो टू वन ऐसे ही कॉस एक्स का माइनस वन टू वन, कॉस स्क्वायर एक्स जीरो से वन, मॉड कॉस एक्स भी जीरो से वन, मिनिमम जीरो मैक्सिमम वन। टेन एक्स का तो पता है बिलोंग्स टू रियल, टेन स्क्वायर एक्स हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा इनफिनिटी तक जाएगा, और मॉड टेन एक्स हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। कॉट एक्स बिलोंग्स टू रियल, कॉट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉड कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सीकेंट एक्स या तो वन से बड़ा होता है या तो माइनस वन से छोटा होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स हमेशा वन से बड़ा होता है, और मॉड सेकेंट एक्स हमेशा वन से बड़ा होता है।
कोसेक एक्स हमेशा वन से बड़ा होता है या माइनस वन से छोटा होता है, ये याद रख लो यार। ये तो फंक्शन में हमें ये यूज़ करेंगे हम, फंक्शन में तो रेंज के क्वेश्चन ये सब तो आने ही वाले। तो यहाँ भी सेम, इसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है। और ये भी याद रखो कि ए साइन थीटा या साइन एक्स ले लो, थीटा ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, प्लस बी कॉस एक्स कहाँ से कहाँ लाइ करता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें क्या होना, ये फैक्ट यूज़ करेंगे हम कि कॉस एक्स कहाँ से कहाँ लाइ करता है, माइनस वन से वन। सिमिलरली कॉस टू एक्स भी माइनस वन से वन ही लाइ करेगा, और कॉस थ्री एक्स भी माइनस वन से वन ही लाइ करेगा। अब जब इनको हम तीनों को ऐड कर देंगे तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू थ्री हो सकती है, जो होंगी नहीं होंगी अलग बात है, अगर पहुँच सकता होगा तो माइनस थ्री थ्री तक पहुँच पाएगा, और मिनिमम माइनस थ्री तक पहुंच पाएंगे क्योंकि ऐड कर दिया आपने इन लोगों को। तो अब बात यह है कि क्वेश्चन में हमें दे दिया इक्वल टू थ्री, तो मालूम क्या पड़ा कि कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स ये थ्री कब होगा, जब ये लोग सब इंडिविजुअली एक साथ वन वैल ले ले, ये भी वन हो जाए, ये भी वन हो जाए, ये भी वन हो जाए, मतलब बीच में मैं क्या लिख रहा हूँ, एंड लिख रहा हूँ, एंड मतलब ये सब एक साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं ये वन हो गया, ये वन हो गया और ये वन बाई टू हो गया, तो थ्री नहीं मिल पाएगा। तो ये टॉपिक का नाम ही क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के अलावा हमारा सोल्यूशन ही नहीं आएगा, जैसे इसमें एक्सट्रीम वैल्यू ही लेना पड़ेंगी इन्हें। तो बच्चों कॉस एक्स इक्वल टू वन तो हमें पता है टू एन पाई होता है, यहाँ टू एक्स इक्वल टू शुड इक्वल टू टू के पाई ले लो, तो एक्स आपको मिल गया टू के पाई बाई टू विच इज के पाए, और सिमिलरली थ्री एक्स इक्वल टू टू एम पाए ले लेते हैं क्योंकि सब इवन मल्टीपल पे ही वन होते हैं ना, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल गया टू एम पाए बाई थ्री। अब बच्चों हमें ना अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने इंटरसेक्शन लिया था, सॉरी वो लिया था, क्या बोलते हैं, यूनियन लिया था इनका, क्योंकि बीच में और था। तो याद करो पुराने दिन सबसे बड़ा आया था, इस केस में सबसे बड़ा कौन है, देखो ये है कि ये है कि ये है, बताओ सबसे बड़ा 2m pi by 3 है बच्चों, हाँ फिर उसके बाद है k pi, pi के मल्टीपल, और उससे स्पेशल है कि इवन मल्टीपल ऑफ pi, क्योंकि k pi में pi भी आएगा ना, और 2n pi में सिर्फ 2 pi आएगा, 3 pi नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है, इन सब का कॉमन इंटरसेक्शन, तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, एक्स इक्वल टू टू एन पाई या टू एन पाई या टू एम पाई जो भी है इस, क्योंकि तीनों साथ में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो एक्स अगर टू एन पाई रह रहा है तो ये भी अंदर पुट करो ये भी वन हो रहा है, टू इंटू टू एन पाई फोर एन पाई तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये भी वन हो जा रहा है, थ्री इंटू टू एन पाई ये भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है, सिक्स पाई हो रहा है वो भी वन ही हो रहा है, तो तीनों एक साथ वन इस वैल्यू पे हो रहे हैं, समझ रहे बच्चों, ये अच्छा टॉपिक है, इजी नहीं इतना। यस सर। बाकी लोग यस सर। यस सर। अभी देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें ना तीन वेरिएबल है, अब सोचो तीन वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर आप सोचो कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, कॉस वाई की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू टू होंगी, तो जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू टू है। अब देखो जो राइट हैंड साइड है वो है सीकेंट स्क्वायर जेड, वो हमेशा वन से बड़ा होता है,
टू से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमेशा टू से बड़ा रहेगा। तो मालूम क्या पड़ा, राइट हैंड साइड हमेशा दो से बड़ी होती है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा दो से छोटी है और राइट हैंड साइड हमेशा दो से बड़ी है, तो एक ही ऑप्शन हो जाता है कि दोनों दो हो जाए तभी सोल्यूशन होगा, सात में दो हो जाए। समझ में आ रहा बच्चों? यस सर। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस वाई भी इक्वल टू दो हो एंड सीकेंट स्क्वायर जेड भी दो, सीकेंट स्क्वायर टू सीकेंट स्क्वायर जेड भी दो हो। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि ये भी दो कब होते हैं, जब दोनों इंडिविजुअली वन हो तभी होते, तो साइन एक्स भी वन हो कॉस वाई भी वन हो तभी ये दो होते। यहाँ भी वही केस आ गया, दोनों को अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेंगी और सीकेंट स्क्वायर जेड को मैं वन बाय कॉस स्क्वायर जेड लिख के कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू वन हो। तो आप देख सकते हो साइन एक्स इक्वल टू वन मतलब एक्स इक्वल टू फोर एन प्लस वन पाई बाय टू मिल गया आंसर डायरेक्ट। कॉस वाई इक्वल टू वन हमें पता है इवन मल्टीपल, तो वाई इक्वल टू टू के पाई इवन मल्टीपल पाई, और कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू वन तो मतलब कॉस जेड वन भी हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है। तो हम इसके लिए लिख देंगे जेड इक्वल टू एम पाई, क्योंकि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो वन देगा कॉस, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई देगा तो माइनस वन देगा, दोनों लेना अलाउड है। समझ में आ रही है बात बच्चों? yes, तो ये ऐसे होगा सॉल्व। बच्चों हो गया लिखना? yes, sir. इसका आंसर आया क्या? देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, साइन एक्स माइनस वन से वन लाइक करता है और वाई स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, तो वाई स्क्वायर प्लस टू हमेशा दो से बड़ा रहेगा। तो क्या मालूम पड़ा, ये हमेशा दो से बड़ा है और ये हमेशा वन से छोटा है, तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, नो सोल्यूशन। समझे बच्चों? यस सर। इसे ट्राई करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। अब देखो ये टर्म सेम दिख रहे हैं, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो पहले हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू वन और वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स जो कैंसिल और जीरो हो सकता है। अब इसको रूट टू से डिवाइड, रूट टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों ये साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये अपना वही पुराना मेथड, इसको आगे कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पर आप साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस टू
तो ये देखो साइन टू एक्स इक्वल टू माइनस टू कभी नहीं हो सकता है, तो यहाँ से आपको नो सोल्यूशन मिल जाएगा। देख के डेंजर लग रहा है ना, गिव अप कर दिए, मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स कॉस एक्स बाय फोर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स बाय फोर माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखो ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी बन गया है, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। देखो बच्चों यस सर, और ये जो है ये लोग माइनस टू कॉमन निकाल लूँ अगर मैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ कॉस एक्स है। अब देखो साइन एक्स प्लस फाइव बाई फोर, फाइव एक्स बाय फोर प्लस कॉस एक्स, सॉरी जीरो इधर, इक्वल्स टू टू हो गया। अब देखो ये साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, वही लेना पड़ेंगी तभी टू होगा। तो आप देख सकते हो कॉस एक्स अगर वन हो रहा है और साइन फाइव एक्स बाय फोर भी वन होना चाहिए, तो ये एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू टू एन पाई पे वन होता है। अब ये टू एन पाई सेम टू एन पाई पे ये वन नहीं होता है, दोनों एक्स है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक जगह एक्स था एक जगह वाई था, तो ये लोग अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। देखो इधर ये लोग अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन एक ही एक्स एक टाइम पर दो चीज़ें नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये वन नहीं हो पा रहा है, तो इसका आंसर नो सोल्यूशन है। समझे? यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आवाज भी। ये क्वेश्चन ले लो, देखो क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि ये सॉल्वेबल नहीं है, राइट? ये कुछ तो भी जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। बच्चों ऊपर का लिखना हुआ, देखो yes, ये क्वेश्चन देख के समझ में आता है सॉल्वेबल नहीं है, इसको आप इधर भेज दोगे पहले। अब आप देखोगे कि ये जो चीज है, क्योंकि कॉस का पावर इवन है तो मैक्सिमम तो वन होगा और मिनिमम जीरो होगा, ये तो दिख गया हमें। सिमिलरली यहाँ पर साइन का पावर भी इवन है, तो ये भी मिनिमम जीरो होगा मैक्सिमम वन होगा, लेकिन आरएचएस में वन एक्स्ट्रा है, तो हम हर जगह वन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर वन प्लस साइन रेस टू पावर हंड्रेड एक्स, ये वन से हो गया टू, तो बच्चों आप देख सकते हो कि एलएचएस जो कि ये है ये हमेशा वन से छोटा है, और आप देख सकते हो जो आरएचएस है ये हमेशा वन से बड़ा है, तो एक ही सोल्यूशन एक ही केस बन सकता है कि एलएचएस भी वन हो साथ ही साथ आरएचएस भी वन हो। तो एलएचएस वन क्या होगा, कॉस रेस्ट पावर हंड्रेड एक्स इक्वल टू वन, साथ ही साथ वन प्लस साइन रेस्ट पावर हंड्रेड एक्स इक्वल्स टू वन। अब यहाँ पर वन वन कैंसिल हो गया, तो साइन रेस्ट पावर हंड्रेड एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब हमें पता है जब कॉस वन होता है तो साइन जीरो होता है, तो साइन जीरो किस पे होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई पे होता है, उसी पे कॉस वन होता है या माइनस वन होता है, लेकिन उसका पावर हंड्रेड लेंगे हम अगर तो वन ही हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों वैलिड है, तो इसका आंसर क्या आ गया, एक्स इक्वल टू एन पाई। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है बच्चों, इसकी शीट सॉल्व करो आप, काफ़ी आइडिया आएंगे उससे।